सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संगम शरणं गच्छामि। बुद्ध पूर्णिमा में हमें करुणा और मैत्री का स्मरण हर पल होता है। एक ऐसे समय में जब हिंसा, आतंकवाद, जातिवाद, वंशवाद, इसकी कालिमा बुद्ध के संदेश को जैसे काले बादल की तरह ढकती दिख रही है, तो करुणा और मैत्री की बात और अधिक रिलेवेंट हो जाती है कि जो व्यक्ति भी अपने ज्ञान, धन, संपदा से दूसरों की वेदना और दुख दूर करने का प्रयास करता है, वह हर व्यक्ति सिद्धार्थ से बुद्ध के राह पर चल पड़ता है, चल सकता है, बुद्धत्व को प्राप्त कर सकता है। बुद्ध पूर्णिमा का सबसे बड़ा संदेश है, तुम दूसरों को बदलने से पहले स्वयं को बदलना शुरू करो, तुम भी बुद्ध हो जाओगे। लोकसभा के चुनावी रण में सत्तारूढ़ भाजपा की ओर से सिर्फ नरेंद्र मोदी ही दिखाई दे रहे हैं। चुनाव की इस महाभारत में अभिमन्यु भी मोदी हैं, तो अर्जुन की भूमिका में भी वही हैं। देश ही नहीं विदेशों में भी मोदी की चर्चा होती है। हर कोई नरेंद्र दामोदर दास मोदी से जुड़ी छोटी मोटी बात को जानना चाहता है, तो चलिए जानते हैं नरेंद्र मोदी के बारे में रोचक 50 बातें। नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को वडनगर में दामोदर दास मूलचंद मोदी और हीरा बहन के यहाँ हुआ। नरेंद्र मोदी 5 भाई बहनों में से दूसरे नंबर की संतान है। नरेंद्र मोदी को बचपन में नरिया कहकर बुलाया जाता था। नरेंद्र मोदी के पिता के रेलवे स्टेशन पर चाय की दुकान थी। 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान उन्होंने स्टेशन से गुजर रहे सैनिकों को चाय पिलाई। नरेंद्र मोदी बचपन में आम बच्चों से बिल्कुल अलग थे। नरेंद्र मोदी वडनगर के भगवताचार्य नारायणाचार्य स्कूल में पढ़ते थे। नरेंद्र मोदी स्कूल में औसत छात्र थे। उन्हें बचपन में एक्टिंग का शौक था। नरेंद्र मोदी बचपन में स्कूल में एक्टिंग, वाद विवाद, नाटकों में भाग लेते और पुरस्कार जीतते थे। वह एनसीसी में भी शामिल हुए। वे एक बार शर्मिष्ठा तालाब से एक घड़ियाल का बच्चा पकड़कर घर लेकर आ गए। माँ के समझाने पर वे वापस उसे तालाब छोड़कर आए। नरेंद्र मोदी बचपन में साधु संतों से प्रभावित हुए। वे बचपन से ही सन्यासी बनना चाहते थे। सन्यासी बनने के लिए मोदी स्कूल की पढ़ाई के बाद घर से भाग गए थे। इस दौरान मोदी पश्चिम बंगाल के रामकृष्ण आश्रम सहित कई जगहों पर घूमते रहे। नरेंद्र मोदी बचपन से ही आरएएस से जुड़े हुए थे। 1958 में दीपावली के दिन गुजरात आरएएस के पहले प्रांत प्रचारक लक्ष्मण राव इनामदार उर्फ वकील साहब ने नरेंद्र मोदी को बाल स्वयं सेवक की शपथ दिलाई थी। वे बहुत ही मेहनती कार्यकर्ता थे। वे आरएएस के बड़े शिविरों के आयोजन में मैनेजमेंट का हुनर दिखाते थे। आरएएस नेताओं का ट्रेन और बस में रिजर्वेशन का जिम्मा उन्हीं के पास होता था। हिमालय में कई महीनों तक साधुओं के साथ रहे। 2 साल बाद जब वह हिमालय से वापस लौटे, तब उन्होंने संन्यास जीवन त्यागने का फैसला लिया। हिमालय से लौटने के बाद मोदी ने अपने भाई के साथ मिलकर अहमदाबाद की कई स्थानों पर चाय की दुकान भी लगाई। उन्होंने हर कठिनाई को सहते हुए चाय बेची। 18 साल की उम्र में नरेंद्र मोदी का विवाह उनकी मां ने बांसकांटा जिले के राजूसाना गांव में रहने वाली जसुदा बहन से किया गया था। नरेंद्र मोदी बाद में घर छोड़कर संघ के प्रचारक बन गए। नरेंद्र मोदी कोई भी नया काम शुरू करने से पहले अपनी मां का आशीर्वाद जरूर लेते हैं। चुनाव में मिली जीत के बाद उन्होंने अपनी माँ से जाकर आशीर्वाद लिया। जब नरेंद्र मोदी प्रचारक थे तो उन्हें स्कूटर चलाना नहीं आता था। शंकर सिंह वागले उन्हें अपनी स्कूटर पर घुमाया करते थे। नरेंद्र मोदी ने अन्य प्रचारकों के विपरीत दाढ़ी रखते और उसे ट्रिम भी करवाते। वे 1975 में इमरजेंसी के दौरान सरदार का रूप धरकर 2.5 सालों तक पुलिस को छकाते रहे।
नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में मैनेजमेंट और पब्लिक रिलेशन से संबंधित 3 महीने का कोर्स किया है। नरेंद्र मोदी अपने आप को एक लेखक और कवि मानते हैं। उन्होंने गुजराती भाषा में हिंदुत्व से संबंधित कई लेख भी लिखे हैं। मोदी महान विचारक और युवा दार्शनिक संत स्वामी विवेकानंद से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। उन्होंने गुजरात में विवेकानंद युवा विकास यात्रा निकाली थी। नरेंद्र मोदी शाकाहारी हैं। उन्होंने सिगरेट शराब को कभी हाथ नहीं लगाया। नरेंद्र मोदी हर छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखते हैं, जैसे भाषण से पहले उनकी तैयारी करना, बालों और कपड़ों की स्टाइल को देखना। नरेंद्र मोदी समय के बड़े पाबंद हैं। नरेंद्र मोदी सिर्फ 3.5 घंटे की नींद लेते हैं और वे सुबह 5:30 बजे उठ जाते हैं। लाल कृष्ण अडवाणी को नरेंद्र मोदी का राजनीतिक गुरु माना जाता है। 1990 के दशक में नरेंद्र मोदी ने अडवाणी की सोमनाथ से अयोध्या रथ यात्रा में बड़ी भूमिका निभाई थी। नरेंद्र मोदी स्वभाव से आशावादी व्यक्ति हैं। एक भाषण के दौरान उन्होंने कहा था कि लोगों को आधा गिलास पानी से भरा नजर आता है, लेकिन मुझे आधा गिलास पानी और आधा हवा से भरा नजर आता है। नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए कई देशों की यात्रा की, जिनमें चीन प्रमुख है। उन्होंने चीन के विकास को बहुत करीब से देखा। गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात समिट आयोजित कर देश और विदेश के उद्योगपतियों को निवेश के लिए आकर्षित किया। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए उन्होंने बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन को गुजरात का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। अमिताभ बच्चन ने इसके बदले एक पैसा भी नहीं लिया। बंगाल के सिंगूर में टाटा के नैनो कार के प्लान के विरोध के बाद नरेंद्र मोदी ने टाटा को एक मैसेज देकर उन्हें गुजरात प्लांट लगाने के लिए आमंत्रित किया। उस मैसेज में लिखा था, वेलकम टू गुजरात। नरेंद्र मोदी पतंगबाजी के शौकीन हैं। सियासत के आसमान की तरह वे पतंगबाजी में भी अच्छे पतंगबाजों की कन्या काटते हैं। गुजरात दंगों के दाग के कारण वर्ष 2005 में मोदी को अमेरिका ने वीजा देने से मना कर दिया था। नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहते हैं। ट्विटर और फेसबुक पर उनके फॉलोअर्स की संख्या लाखों में है। 31 अगस्त 2012 को मोदी ने वेबकैम के जरिए जनता के सवालों के जवाब दिए। सवाल देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी पूछे गए थे। गुजरात में मुस्लिम कट्टरपंथी नरेंद्र मोदी के विरोध थे। इनमें से एक जफर सरेश वाला थे, जो इनके मुख्यमंत्री बनने के बाद लंदन चले गए और इनके खिलाफ प्रचार प्रसार किया। बाद में जब वे मोदी से मिले तो इनके करीबी बन गए। नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव 2014 में भी सोशल मीडिया का खूब प्रयोग किया। उन्होंने एक प्रचार समिति बनाई जिसका नाम सेंटर फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस है, जिसके हाथ में प्रचार की पूरी कमान थी। लोकसभा की कमान संभालने के बाद लोगों में मोदी को लेकर दिलचस्पी जगी और 2 महीने में उनकी 40 से ज्यादा जीवनी आई। बॉलीवुड में कई बड़े सितारे मोदी के फैन हैं और नरेंद्र मोदी आज भी अपने भाई बहनों से अलग रहते हैं। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्ध पूर्णिमा में हमें करुणा और मैत्री का स्मरण हर पल होता है। एक ऐसे समय में जब हिंसा, आतंकवाद, जातिवाद, वंशवाद, इसकी गालिमा बुद्ध के संदेश को जैसे काले बादल की तरह ढकती दिख रही है, तो करुणा और मैत्री की बात और अधिक रिलेवेंट हो जाती है कि जो व्यक्ति भी अपने ज्ञान, धन, संपदा से दूसरों की वेदना और दुख दूर करने का प्रयास करता है, वह हर व्यक्ति सिद्धार्थ से बुद्ध के राह पर चल पड़ता है, चल सकता है, बुद्धत्व को प्राप्त कर सकता है। बुद्ध
बुद्ध पूर्णिमा का सबसे बड़ा संदेश है, तुम दूसरों को बदलने से पहले स्वयं को बदलना शुरू करो, तुम भी बुद्ध हो जाओगे।